हेलो एविएशन लवर्स गाइस, कैसे हो आप? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, एंड मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। फाइनली फाइनली आकाशा यार ने फिर से स्टार्ट कर दिए लेटेस्ट वैकेंसी, और इस बार ये कंडक्ट कर रहे हैं वॉकर इंटरव्यू फॉर ग्राउंड स्टाफ। तो अगर आपको आकाशा एयर ज्वाइन करना है और बनना चाहते हो इस नई एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो गाइज ये वैकेंसी का अपडेट आपके लिए रहने वाला है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही बता दो, बहुत से लोग मुझे पूछेंगे फ्रेशर के लिए है तो ही बताओ, तभी मैं वीडियो आगे देखूंगा। ऑब्वियसली ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए रहने वाली, बिकॉज इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हायरिंग फॉर फ्रेशर, वॉक इन ड्राइव फॉर फ्रेशर, तो यहाँ पे क्लियरली चीजें मेंशन है, तो टेंशन लेने कोई बात नहीं है। सेकंड चीज, आप बोलोगे क्या इसमें मेल फीमेल दोनों की हायरिंग हो रही, मतलब पहले मुझे ये बताओ, नहीं तो मैं वीडियो आगे नहीं देखूंगा या आगे नहीं देखूंगी। ऑब्वियसली गाइस, ग्राउंड स्टाफ एक ऐसा है जहाँ पे दोनों मेल फीमेल दोनों ही काम करते हैं। और तीसरी चीज, आप लोग बोलोगे यार मुझे पहले ये बताओ कि 12th पास के लिए हायरिंग हो रही कि नहीं हो रही है, वरना मैं वीडियो आगे नहीं देखूंगा। अब देखिए गाइस, ये वैकेंसी जो 12th पास वालों के लिए, तो अगर आप 12th पास है तो आप इस जॉब के लिए एब्सोल्युटली एलिजिबल हैं। अब आपके मन में तीसरा सवाल होगा, यार मेरे परसेंट तो कम है थोड़े से, मेरे परसेंट तो यार बहुत कम है, 35-40% आए हैं मेरे, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? पहले मुझे ये बता दो, तभी मैं वीडियो आगे देखूंगा। ऑब्वियसली गाइस, अगर आपकी परसेंटेज 35, आई मीन इन द सेंस अगर कम परसेंट भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता एलएस इंडस्ट्री में, राइट? 35% भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखने चीज लिखा है प्रीफर्ड ग्रेजुएट मिनिमम 10+2, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है तो आप इस जॉब के एलिजिबल हो। सेकंड थिंग इज की प्रीफर्ड, तो अगर आपको हाँ ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन कर रखी तो प्रेफरेंस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, तनख्वाह बिल्कुल सेम रहेगी ग्रेजुएशन वालों की 10+2 वालों की, समझ में आ गया? तो हायरिंग कितनी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, 10+2। तो अगर आप 10+2 कर रखा है, आपने सर्टिफिकेट है, चाहे कोई सा भी बोर्ड का हो, कोई भी स्टेट हो, तो आप इस जॉब के लिए एब्सोल्युटली एलिजिबल हो। नॉट डिस्कस करते नेक्स्ट चीज के बारे में कि ये तो समझ में आ गया, बात करें तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो तनख्वाह आपको जो मिलने वाली होने वाली गाइस 15,000 से 20,000 के बीच में तनख्वाह मिलेगी आपको इन हैंड। तो यार देखो, अगर आपको एयरलाइन से फ्रेशर ज्वाइन करें तो ये वैकेंसी के हिसाब से, फ्रेशर के हिसाब से इतनी तनख्वाह बहुत सही है। अब आपको बोलोगे कि यार आपने तो वहां पे ज्यादा तनख्वाह लिखी हुई थी, या ज्यादा तनख्वाह लिखी हुई थी बिकॉज एक्सपीरियंस की भी तनख्वाह लिखी हुई थी थंबनेल में, राइट? तो फ्रेशर की तनख्वाह इतनी से इतनी और एक्सपीरियंस की तनख्वाह 40,000 तक भी हो सकती है, राइट? एक्सपीरियंस की सैलरी, राइट? इतना समझ में आ गया आपको। नॉट डिस्कस करना नेक्स्ट के बारे में कि अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना, तो अप्लाई करने के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 60% लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिलता है जॉब की लेटेस्ट अपडेट। डेली रात के जो है 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब में, तो आप लाइव आ सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट्स, बेसिक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग द एयरलाइंस जॉब्स और एयरपोर्ट जॉब्स, राइट? इतना समझ में आ गया। एक चीज़ और है कि आपको फटाफट से हाँ एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर 15 जनवरी क्रैश कोर्स, राइट? इन द सेंस 2-3 क्लास हो गई है, तो आप चाहो तो अभी भी एडमिशन ले सकते हो मेरी क्लासेस में जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको मिलेगी फ्री सीवी, रिकॉर्ड लेक्चर्स, मॉक इंटरव्यू, 15 दिन के लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, सर्टिफिकेशन और एक और सीक्रेट चीज जो आपको मिलेगी, और इससे आप आराम से इंटरव्यू निकाल पाओगे। गाइस, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मैं एविएशन कोच हूँ और लोगों को प्रोफेशनली तैयारी करवाता हूँ इंटरव्यू निकालने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यू निकाल नहीं पा रहे हैं और गाइडेंस नहीं है और आपको चाहिए नॉलेज, गाइडेंस, मैंने खुद बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के इंटरव्यू निकाले हैं, प्लस मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करवाने का। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज भेजिए, कॉल मत करिए, क्योंकि अभी रिसेंटली लगातार 30-40 कॉल आ चुके हैं, राइट? समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। बात करते हैं आकाशा एयरलाइंस की जो हायरिंग है, इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, बात करते हैं और क्या किसके। अब आपके मन में सवाल होगा यार कि इसमें एज का क्या क्राइटेरिया, तो इसमें एज का क्राइटेरिया है 18 से 27। तो अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप आराम से इस चीज के लिए एलिजिबल हो, 18 से 27 फॉर फ्रेशर। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन टाइम क्या होगा, तो 8 से 10 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन टाइम होगा। ये फुल टाइम जॉब है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं होती एयरलाइंस जॉब, इसे फुल टाइम जॉब। हाँ, इसमें ये भी लिखा कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा कई कई बार ओकेशन है, तो आप एक जगह से दूसरे का ट्रैवल भी कर पाओगे। एक चीज और, आपके मन में सवाल होगा कि इसमें सुख सुविधाएं क्या क्या, मतलब इसमें सुख सुविधाएं ये कि आपको जो है फ्लाइट की सुख सुविधाएं मिलेगी आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को, आप जो है ऑल ओवर इंडिया प्लस इंटरनेशनल भी कई बार फ्लाई कर पाओगे, राइट? सेकंड चीज है कि इसमें और क्या क्या सुविधा, इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, समझ में आएगा? तो ये दो चीजें आई गेस मोर देन इनफ, आपको कैब फैसिलिटी मिलेगी, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई है, राइट? बात करते हैं कितने नंबर, तो 100 पोजीशन के लिए हायरिंग हो रही है, 100 पोजीशन बहुत ज्यादा होती है, और अगर इतनी पोजीशन और इतनी वैकेंसीज के अगर आने के बावजूद अगर आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो भाई फिर तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा मौका है, मौके को मत चले दीजिए अपने हाथ से। बात करते हैं यहाँ पे हायरिंग कौन कौन से बेस के लिए हो रही है, नौकरी लगेगी तो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हो, तो आप काम कर सकते हो, देख सकते हैं ये जो ऑफिशियल पेज है, ये जो विकिपीडिया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे लिस्ट ऑफ आकाशा एयर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ पे डेस्टिनेशन है गाइज इसके, आंध्र प्रदेश, असम, गुवाहाटी, राइट, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोची, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अगरतला, लखनऊ, तो इन सारे के सारे बेसिस के लिए हायरिंग हो रही है। तो अगर आपकी नौकरी लगेगी,
आप सेलेक्ट हो गए तो आप कहीं ना कहीं इन लोकेशन पे काम करोगे, इन लोकेशन पे काम करोगे। और जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद में फ्लाइट जो है 25 जनवरी से चालू होने वाली है। आज है कितना, आज है 18 जनवरी। तो जब फ्लाइट चालू होने वाली तो उनके लिए लोग भी चाहिए, तो लोग चाहिए तो कहीं ना कहीं इसलिए लोगों की हायरिंग जो है बढ़ रही है। समझ में आ गया आपको ये चीजें कैसी चल रही है। तो इन इन जगह पे नौकरी हो रही, तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप इन इन जगह पे नौकरी कर पाओगे, राइट। नाउ डिस्कस करते हैं इसकी लोकेशन क्या है, वेन्यू क्या है। समझ में आ गया आप लोगों को अप्लाई करने करना क्या है। आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक मारना है, और आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक मार के आपको ये फॉर्म भर देना है, राइट। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, मैं सोच रहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के चले जाएंगे। मैंने चाहता कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप पहुंच जाएंगे आकाशा एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू कब और कहाँ कंडक्ट होगा। इंटरव्यू कंडक्ट होगा 20 तारीख को, 19 और 20 तारीख को जो है कल, 19 और 20 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। बात करते हैं एड्रेस क्या है। तो एड्रेस है अकेडमी ऑफ एविएशन एंड इंजीनियरिंग, शाह साहेब ग्रुप इंस्टीट्यूशन, बैंगलोर। तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, राइट। बात करते हैं यहाँ पे और डिटेल में। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हायरिंग कस्टमर सर्विस एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जैसे ही साइड करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा सिक्योरिटी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की भी हायरिंग। तो कस्टमर सर्विस की यूनिफॉर्म ऐसी दिखती है, राइट। तो दो दो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, कस्टमर सर्विस की भी हायरिंग हो रही है, सिक्योरिटी की भी हायरिंग हो रही है। 19 और 20 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं बैंगलोर में। एड्रेस क्या है, अकेडमी ऑफ एविएशन एंड इंजीनियरिंग, शाह साहिब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, 3839 प्रेस्टीज एनक्लेव, कंपेगौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, राइट। यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो गाइस बी रेडी हो जाइए, प्लीज स्कैन योर क्यूआर कोड एंड रजिस्टर एंड लिंक इन बायो, राइट। तो यहाँ पे लिंक इन बायो दिया हुआ, तो लिंक इन बायो में जैसे ही यहाँ पे देखते हैं क्या लिंक दिया है यहाँ पे, तो लिंक इन जब बायो दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। यहाँ पे करियर में क्लिक मारिए, राइट, अगेन करियर में क्लिक मारोगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो समझ में आ गया, अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक यहीं पे दी हुई है, हायरिंग कस्टमर सर्विस एंड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, यही पेज खुलना चाहिए कहीं ना कहीं से। ऑब्वियसली गाइस ये पेज जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, तो ये सारी की सारी चीजें, तो फटाफट से यहाँ पे आना है। लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म भर देना है, राइट। फॉर फ्रेशर यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड। बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको भर देना है अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना एड्रेस, राइट। क्या काम करते हो, फ्रेशर हो आप, जाहिर सी बात है तो फ्रेशर लिख देना है आपको, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऐड करना है, ये सारी चीजें करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए आकाशा एयरलाइंस में, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और जो है यहाँ पे पहुंच जाना आपको इंटरव्यू देने गाइस। समझ में आ गया। तो हमने डिस्कस कर लिया एज कितनी रिक्वायर है, हमने डिस्कस किया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने डिस्कस कर लिया इंटरव्यू कब हो रहे हैं, हमने डिस्कस किया इंटरव्यू कब और कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं, हमने डिस्कस कर लिया सारी की सारी चीजें। तो अब फाइनली आ जाते हैं एक और चीजों में। तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, और देखिए एविएशन लाइफ एक एडटेक कंपनी है जो कि लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं यार ऑनलाइन कैसे प्रिपरेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑनलाइन जो है हमने प्रिपेयर करवा के 280 से भी ज्यादा लोगों को सेलेक्ट करवा दिया एयरलाइंस में, ऐसा ग्राउंड स्टाफ एंड ऐसा कैबिन क्रू। तो अगर आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। और देखिए गलती क्या करते हो ना, आप इंटरव्यू को वो रिस्पॉन्स नहीं देते वो जो सुनना चाहता है, आप इंटरव्यू को अपने मनमाने रिस्पॉन्स देते हो और आप उनके पैरामीटर में खड़ा नहीं बैठते हो। तो अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको उनकी तरह आंसर देना चाहिए, प्लस आपको रिस्पॉन्स वो देना है जो वो सुनना चाहते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज। तो गाइस अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो और आप एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो और इंटरव्यू निकालना चाहते हो और डिप्लोमा करके कहीं फंस चुके हो, तो ये है फाइनल कॉल। इसके बाद क्रैश कोर्स में एडमिशन बंद हो जाएंगे आज के बाद, आज है फाइनल कॉल। तो गाइस फटाफट से ज्वाइन करिए, देर मत कीजिए। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार गाइस, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।